बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पतंगबाजी एक खूनी खेल है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इस पर पाबंदी भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पतंगबाजी करते हैं, फिर पतंगबाजी करने के अलावा उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं। चंद दिनों पहले हमारे एरिया में भी एक सोशल मीडिया पर वायरल की गई वीडियो, जिसमें चंद लड़के डांस वगैरह कर रहे हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि हमें पकड़ा जाए। तो जैसे ही ये हमने वीडियो देखी तो हमने फौरी इसको ट्रेस किया और उसी दिन हमने इनको पकड़ लिया और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इनसे चरखियाँ, डोर और पतंगें बरामद की गई और इनको हवाला जुडिशल भिजवाया गया। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि जब अपने इर्द गिर्द भी अगर पतंगबाजी देखते हैं तो उसकी इतला थाना में दें, और जिनकी छत इस्तेमाल होती है या जिनके ये बच्चे हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल क्वालिटी, अब लेमन की खुशबू लिए जिसका जदीद और मुनफरिद फॉर्मूला आपके कपड़ों की करे चमकदार उजली साफ धुलाई और दे नई जिंदगी। टाटा सोप, चमकदार धुलाई टाटा से आई। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 110 न्यूज। हमारे वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें, क्योंकि हम हैं हक सच की आवाज़।